एवरीवन, वेलकम टू द 222nd एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 25 तारीख है, 25 जुलाई, और आज POJK में इलेक्शंस हो रहे हैं। बल्कि अब तो वो बैलेट इस वक्त तकरीबन 5 मिनट पहले जो है वो पोलिंग बंद हो चुकी है, और पूरा दिन जो है वो पूरा POJK जो है वो एक वॉर जोन की शक्ल में नज़र आता रहा। और कोटली में चढ़ोई के मकाम पर फायरिंग हुई पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों के दरमियान, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पार्टी के 2 लोग जो है वहाँ कत्ल हो गए। इसी तरह से मुजफ्फराबाद में बाग में बहुत लड़ाई हुई है, मीरपुर में तो बिल्कुल घमसान की लड़ाई हुई है। कई जगहों पर जो है वो पोलिंग बूथ जो है वो बंद किए गए, मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर, कोटली वगैरह में, और पोलिंग स्टेशन को बंद करना पड़ा कई कई घंटे, और फिर वो फौज के हवाले किए गए, और फिर वहाँ दोबारा वोटिंग शुरू हुई। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वोटिंग दोबारा शुरू नहीं भी हो सकी। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें फौज जो है जिसको इन्होंने भेजा था 40,000 फौजी, वो साइड लाइन्स पर खड़े होकर तमाशा देखते रहे, जिसका मतलब ये है कि ये सारा वायलेंस जो है ये ऑर्केस्ट्रेटेड था। और इसकी रोशनी में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो इंतखाबात हैं, इनमें नतायज जो है वो पहले से ही तयशुदा नतायज हैं, और इन नतीजों में जो भी पार्टी अब सामने आती है वो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको जितवाया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके भी बहुत पॉपुलैरिटी है वहाँ पे, और जब बायकॉट का हमने कहा तो उस दौरान मरियम नवाज़ ने जो तकरीरें की, उसके बाद नेशनलिस्टों ने ये फैसला किया कि वो भी मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, ताकि 2 बुराइयों में से एक कम बुराई जो है उसको चुना जाए, ये मुझे बताया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो POJK से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस बैलेट से अवाम को मयस्सर न हो आज़ादी, उस बैलेट के हर वोट को तुम आग लगा दो।